हाय फ्रेंड्स, जीएस स्पोर्ट्स क्लब में आपका स्वागत है। मैं आपको जोहर से, मैंने जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं जो हूँ मंडे से लेकर के जो है सैटरडे तक का एक जो है वर्कआउट का जो है प्लान बताऊंगा, तो उसी को लेकर के आज मैं जो है वेडनेसडे के दिन की तुम्हें जो है एक्सरसाइज बताऊंगा। जैसे मैंने पहले मंडे की बताई है, फिर ट्यूजडे की बताई है, आज जो है वेडनेसडे की बताऊँगा। जैसे हमारा मंडे वाले दिन जो है मैंने कहा था कि हमारी जो है कंपटीशन रहता है, उस दिन कंपटीशन रखना चाहिए हमें, और जो है ड्रिल वगैरह मारते हैं, एबीसी वगैरह करते हैं। तो वेडनेसडे के दिन जो है जो घूम करके जो है वही शेड्यूल आता है कि वेडनेसडे के दिन हम क्या करेंगे कि सुबह ही जो है आएंगे, हम थोड़े स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने के बाद 2-3 किलोमीटर रनिंग करेंगे, रनिंग करने के बाद में प्रॉपर वार्म अप करेंगे, वार्म अप के बाद में हम जो फिर एबीसी करेंगे। एबीसी के अंदर 8 से 10 एक्सरसाइजें होंगी जो मैंने डाल भी रखी हैं चैनल पर, तो आप जो है उन्हें जो है देख करके जो है फिर से एबीसी करेंगे। एबीसी के बाद में हमारा फिर वही रूटीन रहता है कि एबीसी करने के बाद में हम जो कोर वगैरह जो अच्छे से करेंगे, एक्सरसाइज अपनी सेटअप वगैरह लगाएंगे, और उसके बाद में हमारा क्या रहेगा कि उसके बाद में हम जो है ड्रिल वर्क करेंगे। जैसे मंडे ड्रिल वर्क था सुबह के टाइम, वेडनेसडे में ड्रिल वर्क रहेगा, और ट्यूजडे के दिन जो है हमारा जो है वेट ट्रेनिंग का दिन होता है, तो उस दिन ये नहीं रहता। तो इसलिए आज जो है वेडनेसडे है, मतलब वेडनेसडे का हमारा जो है प्लान है ये, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो है ड्रिल वर्क करेंगे। ड्रिल वर्क करने के बाद में जो है हमारा जो सुबह का मॉर्निंग का वर्कआउट जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम जो है इवनिंग के अंदर जो है वही अपना जो है प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी हल्की सी रनिंग करेंगे। रनिंग करने के बाद बॉडी स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करके हल्की सी रनिंग करेंगे। रनिंग के बाद में फिर हमारा वही और हमारी स्टैंडिंग थ्रो, पहले जैवलिन थ्रो पर हैं आप या शॉट पुट थ्रो पर हैं या डिस्कस थ्रो पर, आप जो भी हैं, आप जो भी थ्रो लगाते हैं, पहले आप स्टैंडिंग थ्रो लगाएंगे हम, फिर हम जो है क्वार्टर हाफ राउंड वगैरह लगाएंगे, उसके बाद हम जो है फुल थ्रो लगाएंगे। ऐसे ही डिस्कस के अंदर करेंगे हम, ऐसे ही शॉट पुट के अंदर और ऐसे ही जैवलिन के अंदर। जैवलिन के अंदर हम पहले स्टैंडिंग थ्रो करेंगे, स्टैंडिंग के बाद में हम 3 स्टेप थ्रो करेंगे, 1 स्टेप थ्रो जो होती है वो करेंगे, उसके बाद जो हम जो है 2-4 रनवे लगाएंगे, पहले बगैर भाले के रनवे की प्रैक्टिस करेंगे, रनवे के बाद में फिर हम जो है थ्रो लगाएंगे। तो ये जो हमारा रहेगा, ये रहेगा हमारा वेडनेसडे का, और जो है वेडनेसडे में ये करने के बाद में फिर हम अपने घर जाएंगे। घर जाने के बाद में जो आफ्टर वर्कआउट, वर्कआउट के बाद में आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, वो आप जो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप चाहे जो डब्बा में आता है वो ले लें, या आप किसी चीज़ का जैसे मान लो मीट वगैरह है आप उससे ले सकते हैं तो उससे ले लें, या आपकी रिकवरी करेगा, आपको जो है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है, मैंने जो ये बताया मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, वेडनेसडे का मैंने आज फिर बताया, ऐसे ही मैं कल को जो है थर्सडे का बताऊँगा। तो इस तरीके से पूरा सप्ताह का एक शेड्यूल पूरा जो है मैं बता के चलूँगा। जैसे ही मुझे ये ना समझे कि जो है मैं कल को ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बच्चों को सिखाने का या कहीं गेम से होते हैं वहाँ जाने का काम रहता है, तो इसलिए मैं प्रॉपरली मतलब जो वीडियो बनाकर डाल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इसलिए आज मेरे पास समय था, तो मैंने वेडनेसडे का वर्कआउट डाला है। ऐसे ही मैं जो थर्सडे का भी डालूंगा, वो देखो अगले 2-4 दिन में जो है डाल ही दूंगा। तो इस तरीके से हमारा जो है पूरी सप्ताह का जो वर्कआउट प्लान होगा वो मैं लेकर चल रहा हूँ, आपको जो है हर वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। धन्यवाद।